ओके सेमी कॉलन प्रेस एंटर क्या हुआ है आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है अगर आपको देखना है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे आप लिखोगे एस एच ओ डब्ल्यू शो ओके डेटा बेसिस तो ये जितने भी डेटा बेसिस स्टोर होंगे ओके इस सॉफ्टवेयर में वो क्या होंगे ये शो कर देगा राइट right? देखो यहां पे आ गया अभी आपने कौन सा क्रिएट किया था डी बी वन तो ये देखो डी बी वन शो कर रहा है डी बी ऑलरेडी बना हुआ है एम्प्लॉय बना हुआ है ओके बाई डिफॉल्ट जो सिस्टम ने इस एप्लीकेशन प्रोग्राम ने दिया है वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा है माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा से फाइन ओके आपने क्या किया डेटाबेस क्रिएट किया फिर आपने देखा कि डेटाबेस बना है कि नहीं बना है ओके या फिर आप जितने भी डेटाबेसिस है सबको देखना चाहते हो तो आप शो डेटाबेसिस कमांड का यूज करोगे फाइन अब हमें क्या करना है डेटाबेस का यूज क्या होता है डेटाबेस में आप क्या करते हो उसके अंदर आप टेबल इंसर्ट करते हो Fine. तो अभी हम क्या करेंगे? Database को ओपन करेंगे और डेटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड क्या होती है यूज राइट एंड डेटाबेस का नेम तो यहाँ पे हमने कौन सा डेटाबेस बनाया था डी बी वन ओके सेमी कॉलर राइट अब देखो अब आपका डेटाबेस क्या हो चुका है ओपन हो चुका है ओके okay. अगर आप क्या चाहते हो आप डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो फाइन इसको रिमूव करना चाहते हो ओके okay? तो आप क्या कर सकते हो आप ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो लाइक like मैं यहां पे दे दू ड्रॉप डेटाबेस, बेस डी बी वन फाइन ओके मैंने क्या किया ड्रॉप डेटाबेस, बेस डी बी वन फाइन अब देखो अब हम अगेन क्या करेंगे शो डेटा बेसिस करके देखेंगे कि ये डेटा बेस डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है फाइन अब देखो so आप शो डेटा बेसिस करोगे अब यह आपको डीबी वन इसके अंदर नहीं मिलेगा राइट right? क्योंकि वो क्या हो चुका है वो डिलीट हो चुका है तो हम क्या करते हैं कोई दूसरा डेटा यूज कर लेते हैं इसमें ऑलरेडी डीबी बना हुआ है तो हम डीबी को यूज कर लेते हैं यूज डीबी फाइन अब देखो ये एस्किल क्या है एसक्ल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है आप इसके अंदर कैपिटल uh, लेटर्स में भी लिख सकते हो आप इसके अंदर स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो और ऑफ बहुत भी कर सकते हो तो इसके अंदर कोई भी एरर शोर sure, ये नहीं करेगा बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है राइट ओके नाउ मैंने क्या किया डीबी यूज uh, किया ओके okay. अगर मैं चाहती हूं कि मैं इसके अंदर देखूं कि डीबी के अंदर कितनी टेबल्स हैं राइट right? तो मैं शो टेबल्स कर सकती हूँ एस एच ओ डब्ल्यू शो टेबल्स राइट तो ये मुझे बता देगा कि डीबी डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं फाइन अब देखो ये एम सेट है मतलब ये डेटा बेस क्या है एम है अभी इसके अंदर एक भी टेबल नहीं है तो नेक्स्ट कमांड हम क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट टेबल फाइन तो आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे सीआरई ए टी क्रिएट ओके टेबल ओके okay, एंड टेबल का नेम तो हम एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट क्रिएट टेबल स्टूडेंट प्रेस एंटर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे शिफ्ट प्लस नंबर नाइन तो आपका क्या आ जाएगा सर्कुलर ब्रैकेट ओके शिफ्ट प्लस नंबर नाइन यहाँ पे आप टेबल के कॉलम्स बनाओगे मैंने बना लिया रोल नंबर ओके okay, उसको मैं ले लेती हूँ का इंटीजर इन इंटीजर इन वैल्यू स्टोर करेगा ओके सेकंड कॉलम हमने ले लिया एस नेम, एस नेम नेम हमने ले लिया वेर केयर वेर केयर थर्टी ओके वेर केयर थर्टी लिया है फाइन तो क्या होगा अगर इसमें अगर मान लो आपने एक नेम स्टोर किया अमित अमित ने कितने लेटर्स uh, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वन ए एम आई टी ओके वन फोर फोर करेक्टर्स का स्पेस तो का जितना स्पेस बचेगा वो क्या होगा वेयर केयर रिलीज कर देता है राइट तो इसलिए हम वेयर केयर का यूज करते हैं अगर आप कैर यूज करते हैं तो कैर क्या करता है जितना भी आप उसको स्पेस uh, दोगे जितनी लिमिट दोगे वो उसको ऑक्यूपाई करके रखता है राइट तो उसमें क्या होता है मेमरी ज्यादा लगती है ओके okay, हमने यहाँ पे ले लिया डेट ऑफ बर्थ डेट ओके एंड लास्ट ले लो आप मार्क्स मार्क्स हम ले लेते हैं फ्लोट में जिससे इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज भी हम डाल सके फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हम डाल सके एंड सर्कुलर ब्रैकेट इन द एंड और उसके बाद आप क्या करोगे सेमी कॉलम फाइन अब ये आपकी टेबल बन चुकी है अगर आप देखना चाहते हो कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या है तो आप कौन सी कमांड दोगे आप डिस्क्राइब टेबल ई एस सी आर आई ई डिस्क्राइब टेबल नेम ठीक है आप टेबल का नेम दोगे फाइन तो यहां पे आप डिस्क्राइब टेबल नेम जैसे हमारी टेबल क्या है स्टूडेंट ऐसे भी दे सकते हो या फिर आप सिंपल डीईएससी डीईएससी स्टूडेंट ठीक है टेबल नेम टेबल नेम डीईससी या तो आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखो जो टेबल नेम है या फिर आप डीईससी स्टूडेंट फाइन अब यहाँ पे आप देखो आपका क्या आ गया सेमी कॉलम ये देखो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है कि जो स्टूडेंट टेबल है यहाँ पे देखो उसमें कितने कॉलम्स है रोल नंबर कॉलम्स को क्या कहा जाता है फील्ड ठीक है एस नेम डीओबी मार्क्स फाइन और उसके टाइप दिए हुए हैं कौन, कौन सा डेटा टाइप है इंटीजर वेयर केयर डेट एंड फ्लोट ओके एंड दे कैन कंटेन नल वैल्यूज किसी को भी हमने की डिफाइन नहीं किया है ओके बाय डिफ़ॉल्ट इनका अभी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है नल है क्योंकि हमने इसके अंदर क्या अभी कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है फाइन तो अब क्या है अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे डेटा इंसर्ट करेंगे ओके okay. तो फर्स्ट मैथड अपना यूज करते हैं इंसर्ट इन टू स्टूडेंट Into student, क्या है टेबल का नहीं ठीक है वैल्यूज वैल्यूज अब आपको ये ध्यान रखना है जब आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे कि कौन सा कॉलम कब आ रहा है तो सबसे पहले मेरा रोल नंबर आ रहा है तो आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डालोगे ठीक है फिर आपने लिया नेम एस नेम तो यहाँ पे आप जो क्या है एस नेम क्या है करेक्टर वैल्यू है तो आप करेक्टर वैल्यू किस में लोगे आप उसको डबल कोर्स या सिंगल कोर्स में लोगे ठीक है हमेशा ध्यान रखना है कि इसको डबल कोर्स या सिंगल कोर्स में लेना है फाइन फिर आपका आपका नेक्स्ट कॉलम क्या है डेट ऑफ बर्थ तो इसको भी आप डबल डेट भी आप क्या एंड नेक्स्ट right? okay. आपका क्या है मार्क्स तो मार्क्स मैंने ले ली यहाँ पे सेवेंटी एट फाइन देखो अब एक रो एक आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है फाइन अब मैंने एरो की से क्या किया है इसको रिपीट करा दिया है अब मैं नेम इंटेस्टली दो बार ले रही हूं रोहन ठीक है और आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो यहाँ पे टू थाउजेंड था। फाइव सिक्स कर लो इसको इसको आप एट कर लो इसको आप नाइन कर लो तो डेट ऑफ बर्थ आपने जो दिया है वो किस में दिया है ईयर मंथ एंड डे फॉर्मेट में दिया है ईयर मंथ डे ठीक है तो ध्यान रखना कि आपको किस फॉर्मेट में देना है ईयर मंथ एंड डे फॉर्मेट में आपको डेट को देना है अगर आप डेट वैल्यूज के अंदर स्पेसिफाई स्पेसीफाई करो फाइन ये आपने सेकेंड रो इंसर्ट कर दी ओके okay. अब मैं एक रो और अच्छा अब मुझे क्या करना है मैं आपको एक मेथड और बताती ये तो आपने सिंपल कर दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है स्टूडेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज फाइन अगर मान लो आप आ, आपको अपने कॉलम्स भी क्या करने हैं इसके आ, अपनी कमांड में शो करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो इंसर्ट इनटू ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है टेबल का नेम स्टूडेंट ओके तो यहाँ पे आप क्या करोगे वैल्यूज ना देके पहले कॉलम नेम्स दोगे रोल नंबर फर्स्ट हमारा कॉलम है रोल नंबर सेकंड है हमारा एस नेम फाइन थर्ड है आपका डीओबी ओके एंड मार्क्स ओके इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ओके स्टूडेंट में आपने कॉलम्स नेम दिए हैं अब आप दोगे वैल्यूज वैल्यूज अब आप थर्ड रिकॉर्ड दे दो यहाँ पे थ्री हम नेम दे देते हैं नेहा पेन और आप डेट ऑफ बर्थ दे दो ठीक है ईयर देन मंथ देन आपका आ गया डे ओके एंड मार्क्स फाइन देखो अब हमने क्या किया टेबल स्टूडेंट टेबल क्रिएट की थी और उसमें हमने क्या किया है थ्री रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर दिए अगर आप टेबल को देखना चाहते हो ठीक है उसके सारे के सारे कंप्लीट टेबल के रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अब यहाँ पे आप दोगे टेबल का नाम तो टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा आपकी कंप्लीट टेबल शो हो जाएगी ओके okay? यहां पे देखो अभी आ गया आपने ये टेबल बनाई है आपने रोहन को दो बार रिपीट किया था ये मैंने किसी पर्पज से रिपीट करवाया नेम वो मैं आपको बताऊंगी अभी ठीक है तो आपने देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर ली राइट अब आपने क्या किया कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया है फाइन अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही आपको टेबल के आप देखना चाहते हो तो आप उसके लिए कैसे कमांड दे सकते हो देखो उसके लिए आप कमांड दोगे सिलेक्ट ओके रोल नंबर एंड एस नेम मैं सिर्फ दो कॉलम्स ही देखना चाहती हूँ टेबल के पूरी टेबल नहीं देखना चाहती अगर आपको uh, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही देखने हैं टेबल के तो आप क्या कर सकते हो सिलेक्ट उन कॉलम्स के आप नेम दोगे यहाँ पे मैंने दिया रोल नंबर एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट ओके एंड सेमी कॉलम प्रेस एंटर तो आप देखो मैंने सिर्फ दो कॉलम uh, के नेम्स दिए सिलेक्ट रोल नंबर कोमा

अब देखो मैं देती हूँ नेक्स्ट कमांड डिस्टिंक्ट की वर्ड का आपको यूज बताती हूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम मैंने क्या किया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट अब मैं एक ही कॉलम को शो करवा रही हूँ नेम को स्टूडेंट नेम को लेकिन मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है पहले डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब ये इसमें से इस कॉलम के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उसको क्या कर देगा रिमूव कर देगा फाइन सेमी कॉलम आप इसको प्रेस करो देखो एस नेम में क्या है सिर्फ वन टाइम रोहन आया एंड यहां आया है टू टाइम रोहन नहीं आया क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर देता है ओके नौ अगर आपको ये जो आपने टेबल बनाई है स्टूडेंट इसमें से रोज को डिलीट करना है ठीक है रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे आप डिलीट कमांड का यूज करोगे ओके तो मैं आपको डिलीट कमांड का यूज करके बताती हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ओके डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अब यहां पे हम क्या करेंगे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे कंडीशन लगाएंगे वेयर एस नेम मैं कंडीशन लगा रही हूं ठीक है किसकी हेल्प से वेयर क्लॉज की हेल्प से ठीक है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम क्या है रोहन मैं क्या कह रही हूँ वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए स्टूडेंट टेबल से जहां पे एस नेम क्या है रोहन है और हमेशा याद रखना है कि हर कमांड के पीछे इन द एंड क्या लगाना है आपको सेमी कॉलन फाइन देखो हो गया अब अब हमको देखेंगे टेबल के अंदर कि वो जहां पे रोहन है वो रिकॉर्ड डिलीट हुए है या नहीं तो आप उसके लिए क्या करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अब देखो आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड रह गया नेहा का ओके okay? ठीक है नौ इफ आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल इन वन गो वट इज दमांड अगर मैं टेबल के सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करना चाहती हूं तो आप क्या कमांड यूज करोगे पहले तो मैंने कंडीशन दी अगर आप चाहते हो जितने भी रिकॉर्ड है एक साथ डिलीट हो जाए तो आप सिंपल कौन सी कमांड लोगे डिलीट ठीक है फ्रॉम स्टूडेंट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या है टेबल का नेम ओके अब देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया अगर मैं अब शो करती हूँ अगर मैं ये वाली कमांड देती हूँ तो क्या आएगा एम्प्टी एम्प्टी सेट सेट आ गया क्योंकि इसके सारे के सारे के जो रिकॉर्ड्स थे वो क्या हो गए डिलीट हो गए ओके ओके अब देखो अब अगर मैं इसको देखती हूँ कि अगर इसके रिकॉर्ड्स तो डिलीट हो गए क्या ये टेबल अभी भी एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा ये टेबल एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसके रिकॉर्ड डिलीट हुए इसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ राइट right? अब मैं शो टेबल करती हूँ शो टेबल्स क्योंकि हमारा डेटा बेस ओपन है डीबी हमने उसमें एक टेबल क्रिएट की थी शो टेबल्स करती हूँ तो देखो हमारी स्टूडेंट टेबल आ रही है ऑल दो ये क्या है ये एम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी क्या है एग्जिस्ट करता है ये खाली है लेकिन ये अभी इसका स्ट्रक्चर है तो मैं ये चाहती हूँ इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे कंप्लीट टेबल डिलीट करने के लिए आप करोगे ड्रॉप टेबल कमांड का यूज ठीक है ड्रॉप का डी आर ओ पी ड्रॉप टेबल टेबल का नेम स्टूडेंट फाइन अब देखो डिलीट हो गई अब मैं अगर अगेन करती हूँ शो टेबल्स शो टेबल्स मैंने किया शो टेबल्स अब देखो अब क्या आएगा एम टी सेट क्योंकि अब कोई भी इस डेटाबेस के अंदर अब कोई भी टेबल नहीं है क्योंकि मैंने ड्रॉप टेबल कमांड से क्या किया इस टेबल को ड्रॉप कर दिया है ओके नौ वी हैव डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं ओके okay, जिनकी हेल्प से हम डेटा टेबल से एक्सेस कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करेंगे अब लाइक बिटवीन ऑपरेटर इन ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर इज नल ऑपरेटर जिसकी हेल्प से हम टेबल से डेटा को क्या करेंगे एक्सेस करेंगे राइट right? तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल को यूज करती हूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटा ओपन कर लेती हूँ यूज यहाँ पे हम करेंगे यूज एम्प्लॉके okay, मैंने डेटाबेस चेंज कर दिया है इसके अंदर हम देख लेते हैं टेबल्स कितनी है शो टेबल्स ठीक है आपकी ई एम एंड ई एम एल राइट तो मैं यहां पे ई एम टेबल को ओपन कर लेती हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम तो ये आपकी Table मैंने बना के रखी है अब इस पे हम क्या करेंगे डेटा इसके डेटा को हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स ठीक है ओके अब मैं क्या चाहती हूँ इफ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय हु फॉल्स बिटवीन टेन थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड अगर मैं चाहती हूँ मैं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड क्या करू डिस्प्ले कराऊ जहा पे उनकी सैलरी कहा से कहा तक हो दस हजार से लेकर तीस हजार तक हो ओके okay, तो यहाँ पे मैं किस चीज का यूज करूंगी मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करूंगी फाइन ये मेरे पास टेबल है ई एम पी एल ओके और मैं क्या क्या करना चाहती हूँ इसके अंदर रिकॉर्ड शो करना चाहती हूँ और कौन सा रिकॉर्ड जहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से कहाँ तक हो टेन थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड ठीक है तो यहां पे आप कमांड लिखोगे सिलेक्ट ओके स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ई एम पी एल ओके हम कहा से डेटा ले रहे हैं ई एम पी एल अब यहां पे आप वेयर क्लॉज का यूज करके कंडीशन लगाओगे वेयर ओके सैलरी सैलरी बिटवीन अब यहां पे बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं ठीक है बिटवीन टेन थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो टेन थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड लोअर लिमिट और यू कैन से लोअर वैल्यू और जो अपर वैल्यू दी है ये भी रिजल्टेंट टेबल के अंदर आएगी मतलब अगर किसी की सैलरी टेन थाउजेंड है तो उसका रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूड होगा अगर किसी की सैलरी थर्टी थाउजेंड है उसका रिकॉर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होगा और टेन थाउजेंड से लेकर थर्टी थाउजेंड के बीच में भी जिसकी सैलरी है उसका रिकॉर्ड भी ये डिस्प्ले करेगा ठीक है सिलेट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल वी एस सैलरी बिटवीन टेन थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड सेमिकोलन देखो आपका आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड्स यहाँ पे टेन थाउजेंड से लेकर थर्टी थाउजेंड देखो टेन थाउजेंड भी इंक्लूडेड है थर्टी थाउजेंड भी इंक्लूडेड है उसके इन बिटवीन जितने भी वैल्यूज uh, हैं वो भी इंक्लूडेड है फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया है बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आ, uh, आपका डेटा को एक्सेस किया है ओके okay? अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है इन ऑपरेटर ठीक है इन ऑपरेटर क्या करता है इन ऑपरेटर वैल्यू वैल्यू एनी इन इन गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज मतलब इसका क्या मीनिंग है ऑपरेटर जैसे मैंने क्या किया आ, आपने चलो मैं करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली इन ऑपरेटर से क्या करते हो आप जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करते हो ठीक है वो अगर उससे मैच करती है टेबल के अंदर तो वो पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले करता है तो इसको मैं करके दिखाती हूँ कैसे इन ऑपरेटर का आप यूज करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ठीक है वेयर अब यहां पे हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर डीई पी टी डिपार्टमेंट को ले लेते हैं डिपार्टमेंट इन अब देखो मैं क्या कंडीशन दे रही हूं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जहां पे डिपार्टमेंट कौन कौन सा हो यहां पे मैंने डिपार्टमेंट ले लिया सेल्स मैन सेल्स मैन का डिपार्टमेंट ले लिया फाइन और मैंने ले लिया मैनेजर, ओके okay, मैंने दो डिपार्टमेंट ले लिए तो मैं यहाँ पे क्या कर इन ऑपरेटर की हेल्प से ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वो डिपार्ट वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए ई टेबल के जहाँ पे डिपार्टमेंट या तो सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो या आप और भी दे सकते हो इसके अंदर लिस्ट दे सकते हो ठीक है जैसे आ, अगर मान लो फ्रूट की टेबल है तो आप दे सकते हो वेयर फ्रूट इन मैंगो एप्पल ग्रेप्स तो मैंगो जहां पे भी फ्रूट मैंगो है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा एप्पल का रिकॉर्ड आ जाएगा ग्रेप्स का रिकॉर्ड आ जाएगा इन द सेम वे यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे डिपार्टमेंट क्या है सेल्स है या और मैनेजर है ठीक है सेल्स है और मैनेजर है सेमी अब देखो जहां जहां पे सेल्समैन और मैनेजर डिपार्टमेंट मिला वहां पे क्या हुआ उसका रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया ठीक तो है तो ये हमारा इन ऑपरेटर का यूज है ओके अब हम इसका अपोजिट करेंगे नॉट इन नॉट इन ऑपरेटर ठीक है अब देखो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ई एम पी एल फाइन अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी इनको नॉट इन कर दूंगी नॉट इन ऑपरेटर ओ टी नॉट इन तो ये क्या कर देगा इसका रिवर्स कर मैनेजर मतलब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे डिपार्टमेंट सेल्समैन और मैनेजर ना हो ठीक है कौन सी रिकॉर्ड डिस्प्ले करे जहां पे डिपार्टमेंट सेल्समैन का ना हो और मैनेजर का ना हो तो ये किसको -किस ये इंक्लूड नहीं करेगा किसको नहीं लेगा सेल्समैन को नहीं लेगा और मैनेजर को ये नहीं लेगा Fine. अब इसको मैं करती हूँ एंटर अब देखो डिपार्टमेंट में देखो क्लर्क है एनालिस्ट है प्रेसिडेंट है लेकिन क्या है सेल्समैन और मैनेजर इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज किया था नॉट इन ऑपरेटर का यूज किया था ओके okay? अब एसक्यूएल ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर एसक्यूएल में क्या होता है स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर का भी यूज किया जाता है ठीक है लाइक फॉर कंपेरिजन ऑन करेक्टर यूजिंग पैटर्न ठीक है अभी कौन कौन से होते हैं है? बताती हूँ जैसे हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं परसेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं ओके तो अंडर स्कोर ऑपरेटर का यूज करते हैं फाइन तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हम लेते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ई एम पी एल फाइन वेयर वेयर ई ने लाइक ओके लाइक एस लिया मैंने एस लिया एंड क्या ले लिया परसेंट फाइन अब देखो इसका क्या मीनिंग है एस लिया है उसके बाद परसेंट ले लिया है अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो इस नेम है वो स्टार्ट किससे करेगा एस से करेगा और उसके बाद परसेंट का क्या मीनिंग है इट कुड बी एनी सब स्ट्रिंग आफ्टर एस मतलब एस के बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है नेम जो भी नेम हो वो स्टार्ट कंडीशन क्या है वो स्टार्ट करेगा एस से और उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है आ, सोहन सिमरन राइट आप कोई भी नेम हो सकता है लेकिन वो स्टार्ट किससे करेगा एस से फाइन और परसेंटेज का क्या यूज होता है इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सबस्टिंग यूज कर सकते हो फाइन अब देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो आपका आ गया ई नेम स्मिथ स्कॉट स्नेहा राइट right? स्टार्टिंग किससे है एस से है उसके बाद आप कोई भी सबस्टिंग यहाँ पे मतलब कोई भी आ, उसके बाद करेक्टर्स आ सकते हैं ओके okay? अब अगर इफ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉज हुज नेम्स है फाइव लेटर्स अगर मैं उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहती हूँ जिनके नेम कितने लेटर्स कंटेन करते हैं फाइव लेटर्स ठीक है तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी यहां पे मिस्टेक क्या की हमने स्ट्रिंग वैल्यू को कोर्स के अंदर नहीं दिया राइट फिर से कमांड लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओके वेयर वेयर ई नेम लाइक कोर्स में देना है अब हम क्या देंगे अंडरस्कोर देंगे फोर अंडरस्कोर देंगे यहाँ पे वन टू थ्री फोर और हमारा एंडिंग करेक्टर क्या है एन ओके सेमी आपका कोर्स क्लोज कर दिया एंड क्या आपको लगाना है सेमी कॉलन राइट तो क्या है स्टार्टिंग के फोर करेक्टर कुछ भी हो सकते हैं और लेकिन एंड का क्या होना चाहिए करेक्टर uh, एन होना चाहिए ओके okay? और यहाँ पे क्या है टोटल जो लेटर्स होने चाहिए टोटल जो करेक्टर्स होने चाहिए नेम के अंदर वो कितने होने चाहिए टोटल फाइव होने चाहिए अब क्या करना है प्रेस एंटर फाइन तो आपका आ गया यहाँ पे अर्जुन आ गया है क्योंकि एन आया इसके एंड में फाइन और टोटल कितने करेक्टर्स है वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये आपका आ गया फाइन ओके okay. तो यहाँ पे हमने क्या किया आ, uh, आपने किसका यूज किया है स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर्स का आपने यहाँ पे यूज किया है फाइन अगर हमें ठीक है इफ वी हैव अनदर यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज करते हैं हम इज नल का इज नल का क्या यूज है इफ वी वॉन्ट टू गेट रिकॉर्ड वेयर एनी वैल्यू इज नल ठीक है अगर हम ऐसा रिकॉर्ड uh, लेना चाहते हैं जहां पे क्या वैल्यू हो नल हो तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे उसके लिए इज नल का यूज करोगे ठीक है इस नल ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो जहां पे आपका रिकॉर्ड क्या हो नल हो फाइन तो पहले मैं देख लेती हूँ मेरे टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नल है कि नहीं है फ्रॉम ई एम पी एल इसके अंदर न, न, नल नहीं है तो हम क्या करते हैं पहले एक नल रिकॉर्ड डाल लेते हैं इसके अंदर फिर फिर इस नल ऑपरेटर का यूज मैं आपको बताऊंगी ठीक है इंसर्ट एम पी एल वैल्यूज वैल्यूज तो फर्स्ट वैल्यू आपकी एम्प्लॉय नंबर है तो एट सेवन सिक्स सिक्स कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आप ले लो थर्टी फाइन नेम हमने ले लिया नेम आप ले लो सीता ओके एंड डिपार्टमेंट आप लोगे डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं क्लर्क ले, ले लेते चलो क्लर्क देखो वैल्यू है इसको आप कोर्स में जोड़ दोगे। क्लर्क ओके एंड सैलरी आप ले लो इलेवन थाउजेंड हो हमें सैलरी यहाँ पे लेनी है नल क्योंकि हमें नल वैल्यू चाहिए तभी तो हम एक को रिकॉर्ड इंसर्ट करें इसकी हमने सैलरी ले ली नल ठीक है फाइन ओके हमें सिलेक्ट स्टार करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम पी एल तो देखो यहां पे हमारे पास एक नल आ गई है अब हम किस कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे अब हम इस नल ऑपरेटर का यूज करेंगे ठीक है देखो अब आप कैसे करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओके अब आप यहां पे कंडीशन लगाओगे वेयर सैलरी सैलरी को आप ये नहीं कर सकते वेयर सैलरी इक्वल नो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा इक्वल्स का यूज नहीं करना है यहाँ पे आपको करना है इज का इज नल ई एम फ्रॉम ईएमपीएल वेयर सैलरी इज नल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे सैलरी क्या है नल है ओके okay? प्रेसेंटर अब देखो किसकी सीता की आपके पास आ गई फाइन ओके okay, अब आप क्या करोगे नॉट नल का यूज करोगे नॉट नल नॉट नल से क्या होगा वो रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जहां पे date, जहां पे नल वैल्यू नहीं है तो मैं इसको ही ले लेती हूँ सैलरी इज नल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वे सैलरी इज नॉट नॉट नल ठीक है जहां पे सैलरी क्या है नल नहीं है फाइन प्रेस एंटर अब देखो नल वाला रिकॉर्ड नहीं आया है और बाकी के रिकॉर्ड आपके पास शो हो गए हैं तो यहां पे हमने दो ऑपरेटर्स का यूज देखा नल इस नल का का एंड नॉट ठीक है ओके इज नॉट नल का फाइन okay, अब हम किसका यूज करेंगे अब हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का ठीक है अपडेट कमांड का क्या यूज होता है अपडेट कमांड आ, क्या होता है समटाइम्स वी नीड टू चेंज सम डेटा और फ्रॉम द टेबल ठीक है हम क्या चाहते हैं कि टेबल का कुछ डेटा चेंज करना चाहते हैं ओके okay? तो इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं अपडेट कमांड की हेल्प से ओके okay? अब देखते हैं देखो अपडेट कमांड में हम क्या करते हैं वेयर क्लॉज का यूज करते हैं और सेट की का यूज करते हैं कैसे अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड यूजिंग द वेयर क्लॉस एंड द न्यू डेटा इज एंटर द सेट क्लॉस जो रो हमें चेंज करनी है राइट उस, उसको हम कैसे दिखा, दिखाते हैं स्पेसिफाई करते हैं वे क्लॉस की हेल्प से और जो न्यू डेटा एंटर करना है उसको हम किसकी हेल्प से एंटर कराते हैं सेट की वर्ड की से कराते हैं ठीक है ठीके? अब इसको मैं आपको आ, करके दिखाती हूँ जैसे मैंने किया अपडेट ओके ई एम पी एल इस टेबल के अंदर हम अपडेट कराते हैं डेटा को ठीक है अपडेट कमांड का क्या यूज होता है डेटा को अपडेट करने के लिए डेटा का कुछ मोडिफिकेशन करने के लिए डेटा में चेंज करने के लिए अपडेट ई एम पी एल राइट अब मैंने किया सेट सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस सैलरी प्लस वन थाउजेंड कर देते हैं वन थाउजेंड ठीक है सैलरी प्लस वन थाउजेंड मैंने क्या कर दिया सैलरी वन थाउजेंड इंक्रीज हो जाए कहां पर वेयर डिपार्टमेंट क्या है जहां पे डिपार्टमेंट आपका क्या है क्लर्क जहां पे आपका डिपार्टमेंट क्लर्क है ठीक है अब देखो यहाँ पे पहले हम देख लेते क्लर्क में देखो टेन थाउजेंड है फर्स्ट सैलरी ओके एंड क्लर्क यहाँ पे नीचे है वहां पे ट्वेल्व थाउजेंड है और एक हमारी नल थी ठीक है तो अब यहाँ पे नल पे तो थाउजेंड ही आ जाएगी ओके okay, तो क्या करना है अपडेट ई एम पी एल हम चेंज करा रहे हैं अपडेट करा रहे हैं सैलरी कितनी कर रहे हैं सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस वेयर डिपार्टमेंट इज इज इक्वल टू नल कोलन ये हमारी अपडेट हो चुकी है अब हम इसको कैसे देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल फाइन अब देखो ओके okay. क्योंकि यहाँ पे नल था तो ये नल एज इट इज है बाकी देखो सैलरी से, क्या हुई है इंक्रीज हुई है ठीक है यहाँ पे देखो ये जो टेन थाउजेंड थी वो इलेवन हो गई है जो ट्वेल्व थाउजेंड थी थर्टीन थाउजेंड हो गई है फाइन जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट क्या था क्लर्क था ओके यहाँ पे वहां पे सैलरी इंक्रीज हो गई है फाइन ओके अब हम क्या करते हैं जहां पे हमारी नल वैल्यू है वहां पे भी हम कुछ अपडेट करा देते हैं नल नहीं रहने देते हैं क्या करते हैं अपडेट अपडेट ई एम पी एल एम पी एल ओके अगेन सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी सेट सैलरी ओनली कर देते हैं इसमें एडिशन के तो जो है सेट सैलरी इक्वल टू टेन थाउजेंड ओके वेयर वेयर हमारा क्या है उजेंड वियर सैलरी इज नल ठीक है जहां पे सैलरी नल है वहां पे सैलरी कितनी हो जाए वहां पे सैलरी हो जाए टेन थाउजेंड ठीक है सैर सैलरी टू टेन थाउजेंड वेयर सैलरी इज नल राइट अब देखो अब सिलेक्ट स्टार करते हैं फ्रॉम ई एम पी एल अब देखो टेन थाउजेंड आ गई हमने अपडेट करा दी नल नहीं है वैल्यू यहाँ पर ठीक है ओके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अभी हमने क्या किया है कंडीशन uh, लगा के अपडेशन किया हम क्या करते हैं एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे तो हमने सैलरी कॉलम को ही अपडेट किया हम एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं कैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपडेट ई एम पी एल ठीक है अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेट सेट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नंबर 80, मैंने डिपार्टमेंट नंबर कर दिया एट्टी ओके कोमा कोमा और सैलरी कर दी मैंने कितनी सैलरी कर दी मैंने नाइन्टी थाउजेंड ओके नाइन्टी थाउजेंड डिपार्टमेंट नंबर कर दिया एट्टी okay, और सैलरी कर दी नाइन्टी थाउजेंड जहां पे क्या है डिपार्टमेंट क्या है डिपार्टमेंट है आपका मैनेजर यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट क्या है मैनेजर सेमी कॉलम ओके तो यहाँ पे मैं एक साथ कितने कॉलम्स को अपडेट कर रही करी डिपार्टमेंट नंबर को भी अपडेट कर रही करी और सैलरी को भी अपडेट कर रही प्रेस एंटर ओके ये हमारा हो गया है अब हम इसको देख लेंगे स्टार स्टार करके फ्रॉम पी एल ठीक है अब देखो एटी जहां जहां मैनेजर है डिपार्टमेंट नंबर एटी हो चुका है उनकी सैलरी कितनी हो चुकी है नाइन्टी थाउजेंड हो चुकी है ओके okay? फाइन आप क्या कर अभी मैंने क्या किया था नल वैल्यू को रिमूव किया था बाय यूजिंग द अपडेट कमांड ठीक है और आप आप नल वैल्यू भी डाल सकते हो ठीक है अपडेट कमांड की हेल्प से आप नल वैल्यू को भी क्या कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो ठीक है कैसे मैं ये दिखा देती हूँ अपडेट ई एम पी एल फाइन सेट सैलरी इक्वल्स टू नल हमें सैलरी नल कर देनी है कहां पर डिपार्टमेंट क्या है क्लर्क ठीक है आप किसी भी वैल्यू को नल वैल्यू अपडेट कर सकते हो ठीक है तो हमने क्या किया अपडेटीएल एमपीएल टेबल का नेम है सेट सैलरी इक्वल टू नल वेयर डिपार्टमेंट इज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्लर्क हो गया अब आप सिलेक्ट स्टार करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एमपीएल ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउस आप अपने टेबल के कॉलम्स को क्या कर सकते हो शॉर्ट कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को शॉर्ट कर सकते हो मतलब उनको अरेन्ज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है बाई डिफॉल्ट किस में होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है ओके okay? ओके okay, अब हम क्या करेंगे लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिजल्ट आता है क्वेरी का रिजल्ट सिर्फ वही उसके अंदर ही शॉर्टिंग होती है जो ओरिजिनल टेबल होती है उसके अंदर डेटा एज इट इज रहता है ठीक है ओके कैसे मैं आपको करके दिखाती हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओके ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ई नेम तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पूरी टेबल को अरेंज कर रहे हैं किस कॉलम के अकॉर्डिंग ई e नेम के अकॉर्डिंग और ई e नेम कैसे अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा ए टू जी अरेंज होगा ठीक है देखो ऑर्डर बाय ई नेम कर दिया अब आप देखो आपका जो नेम्स थे वो ऑर्डर में आ गए पहले ए देन डी तो जितना भी डेटा था उसके अकॉर्डिंग ही इसका अरेंज हो गया है ओके बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज किस में अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है अगर नंबर है तो वन टू थ्री ऐसे अरेंज करेगा स्मॉल टू बिग ओके और अगर आपका अल्फाबेट्स है तो ए टू जी तक अरेंज करेगा ओके okay? अगर आप अपने रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो अरेंज तो आप किस कीवर्ड का यूज करोगे आप डीई एस सी की वर्ड का यूज करोगे या डिसेंडिंग ओके okay? तो मैं आपको करके दिखाती हे सिलेक्ट फ्रॉम ई एम पी एल ऑर्डर बाय ओके ऑर्डर बाय ऑर्डर बाईम और यहां पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम डिसेंडिंग की वर्ड यूज करेंगे या उसका शॉर्ट फॉर्म डीईएससी राइट सेमी कॉलन अब देखो ये देखो सबसे पहले वी आया देन देस तो क्या हुआ ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या हुआ डेटा अरेंज हुआ है राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा अरेंज हो गया फाइन ओके नाउ आप एक साथ मल्टीपल कॉलम्स के भी क्या कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स को भी अरेंज कर सकते हो फाइन तो हम मल्टीपल uh, कॉलम्स को कैसे अरेंज करेंगे यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रे मल्टीपल कॉलम का यूज करने के लिए मैं दूसरी टेबल का यूज कर लेती हूँ ऑलरेडी बनी हुई है ई एम पी टेबल है मेरे पास तो ये मेरे पास ई एम पी टेबल है ऑलरेडी ठीक है तो मैं इसको अरेन्ज करती हूँ बाय यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लॉस ठीक है ऑर्डर बाय क्लॉस का हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी सॉरी ई एम पी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ठीक okay. order by, order by है, अग, आप, अगर इसको simple दे देते हो, हो, कोई भी keyword नहीं लगाते हो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा ठीक है फाइन लेकिन अगर आप चाहो तो ए एस सी लगा सकते हो बात सेम है मतलब दोनों कंडीशन सेम है मैंने फिर भी लगा दिया कि रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में आ, अरेंज करें और आई डी को आई डी को डीई एस सी डिस ऑर्डर में अरेंज करें ठीक है फाइन तो यहाँ पे देखो रोल नंबर को किस में करेगा असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंने लेकिन क्या दे रखा है तो इसको असेंडिंग में कर देगा और आईडी को डिसेंडिंग में कर देगा ठीक है आईडी को फाइव फोर थ्री टू वन करेगा और रोल नंबर को वन टू थ्री फोर कर देगा ठीक है अब मैंने इसको कर दिया प्रेस एंटर अब देखो चेंज हो गया रोल नंबर को असेंडिंग में बोला था तो रोल नंबर असेंडिंग में आ गया है और आईडी को डिसेंडिंग में तो आईडी डिसेंडिंग में आ गया तो ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या होता है यूज इससे इससे हम ऑर्डर टेबल uh, में कॉलम्स के ऑर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं फाइन अब हम यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का ओके ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज होता है इट डिवाइड्स द टेबल इनटू लॉजिकल ग्रुप्स वो टेबल uh, को एक छोट लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है जैसे हमने यहाँ पे ऊपर टेबल देखी थी आपने ऊपर ये आपकी टेबल थी मैनेजर्स थे ओके एंड एनालिस्ट थे तो क्या हो गया मैनेजर मैनेजर एक ग्रुप में आ जाएंगे क्लर्क एक ग्रुप में आ जाएंगे सेल्स अलग ग्रुप में आ जाएंगे तो ये क्या करता है टेबल को सिमिलर ग्रुप्स में क्या करता है अरेंज कर देता है फाइन सिमिलर ग्रुप में क्या करता है अरेंज कर देता है फाइन और इसको टेबल को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद क्या होता है हम ग्रुप्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं फाइन एग्रीगेट फंक्शंस क्या आपके होते हैं सम फंक्शन एवरेज फंक्शन मिन फंक्शन मैक्स फंक्शन ये सारे फंक्शंस आपके एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लॉस का यूज करेंगे पहले हम टेबल ले लेते हैं सिलेक्ट अपनी पुरानी वाली टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम ई एम पी एल ये हमारे पास ई एम पी एल टेबल है ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओके अब हम इसके अंदर क्या करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे ठीक है ग्रुप बाय लॉस क्या करता है टेबल uh, को लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है सिमिलर ग्रुप्स जैसे सेल्समैन का एक ग्रुप बन जाएगा मैनेजर का एक ग्रुप बन जाएगा एनालिस्ट का एक ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप वाइज इसको डिवाइड कर देगा फिर हम ग्रुप्स के ऊपर क्या करेंगे एग्रीगेट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है थीके? तो मैं करके दिखाती हूँ आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट फाइन डिपार्टमेंट आ गया देन हमने क्या किया सम सम लिया किसका सैलरी का सैलरी का सम किया हमने सैलरी का ओके फ्रॉम फ्रॉम ई एम पी एल ठीक है ई एमपीएल क्या है टेबल का नेम ठीक है अब यहां पे हम क्या करेंगे ग्रुप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कैसे आप डिवाइड हो टेबल को कैसे ग्रुपिंग करो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट तो ग्रुप वाइज क्या होगा टेबल डिवाइड हो जाएगा और ग्रुप वाइज क्या हो जाएगा सैलरी का सम हो जाएगा मतलब जितने भी क्लर्क हैं उनकी सैलरी का सम आ जाएगा एक साथ सेल्समैन की सैलरी का सम आ जाएगा एंड मैनेजर की सैलरी का सम आ जाएगा देखो इसको हमने क्या किया सेमी कॉलन एंड प्रेस एंटर देखो क्लर्क डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी आपके पास आ गई है सेल्समैन डिपार्टमेंट की टोटल आ गई है मैनेजर की आ गई है एनालिस्ट की आ गई है एंड प्रेसिडेंट की आ गई है आपके पास डिपार्टमेंट वाइज क्या आ गई है टोटल सैलरी आ गई है ओके डिपार्टमेंट वाइज आपने क्या किया टोटल सैलरी को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया फाइन ओके नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं ठीक है और मैं आपको शो करती हूं जैसे हमने लिया सिलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ले लिया ठीक है इसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके दिखाते हैं ठीक है सम ऑफ सैलरी ले लेते हैं सम ऑफ सैलरी सैलरी फाइन एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी ओके और मैक्स सैलरी मैक्सिमम सैलरी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी क्या है जैसे मैनेजर्स हैं, चार मैनेजर्स हैं तो चार, चारों मैनेजर्स की जो मैक्स जिस मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी ठीक है मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी जिसकी सबसे कम सैलरी होगी वो आ जाएगी राइट फ्रॉम ई एम पी एल फाइन और किसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना रहे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कॉलम आएगा और कौन सा कॉलम आएगा सम का कॉलम आएगा जिसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम होगा एवरेज सैलरी का कॉलम आएगा डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी आएगी डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी आएगी जिसकी मैक्स सैलरी होगी मतलब जैसे तीन मैनेजर है तीन में से जिसकी मैक्सिमम सैलरी होगी उसमें आ जाएगी मिनिमम सैलरी जिसकी मिनिमम सैलरी आएगी उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो आएगी ठीक है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और आपने क्या किया सेमी कॉलन अब देखो यहाँ पे आप पे आ गया है सम ऑफ सैलरी आ गई डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी आ गई डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज आ गई है आपकी कि जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है ओके एंड मिनिमम सैलरी भी आपकी डिपार्टमेंट वाइज आ गई है ओके मिनिमम सैलरी भी आ गई है और मैक्सिमम सैलरी भी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है फाइन तो ये किसका आपने अभी आपने क्या किया ग्रुप बाय क्लॉज किया फाइन अब हम क्या किसका यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का क्या यूज है इट इज यूज टू प्लेस कंडीशन ऑन ग्रुप हम हमने ये बता दिया कि ग्रुप बाय की हेल्प से ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हम ग्रुप बना सकते हैं आप उस उस पर्टिकुलर ग्रुप पर कंडीशन कैसे लगाएंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप पर कंडीशन लगाने के लिए आपके पास है ओके okay? क्योंकि वेयर क्लॉज क्या था वेयर क्लॉज का क्या था इंडिविजुअल रो पे कंडीशन लगाता था लेकिन अगर हमें ग्रुप पर कंडीशन लगाना है ठीक है ग्रुप पर आपको कंडीशन को अप्लाई करना है तो आप कौन से क्लॉज का यूज करोगे का यूज करोगे ठीक है वेयर का क्लॉज नहीं कर सकते क्योंकि वेयर क्या करता है एक पर्टिकुलर रो पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर क्या करता है कंडीशन लगाता है ओके okay? नाउ अब हम इसका यूज करके देखते हैं ठीक है एक प्रैक्टिकली करते हैं यहां पे आप लोग सिलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ले लिया मैंने एवरेज एवरेज सैलरी ले लेते हैं एवरेज सैलरी ओके सम ले लेते हैं सम ऑफ सैलरी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम फ्रॉम लिया हमने ई एल ओके ई एम पी एल और ग्रुप बाय हमने कैसे ग्रुपिंग की है यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइस ग्रुप बनाए और पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे हैविंग अब कंडीशन क्या दे दी हैविंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर ठीक है तो अब क्या किया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आ जाए एवरेज सैलरी आ जाए सम सैलरी आ जाए किस में से एम्प्लॉय टेबल में से ग्रुपिंग कैसे किया डिपार्टमेंट वाइज किया है लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट हो मैनेजर हो तो यहाँ पे सिर्फ किसका डेटा आएगा मैनेजर डिपार्टमेंट का डेटा आएगा ठीक okay. है ओके प्रेस एंटर अब देखो मैनेजर का आया है एवरेज सैलरी और सम ऑफ सैलरी तो कौन से डिपार्टमेंट का आया है सिर्फ मैनेजर डिपार्टमेंट का है ओके okay? अब पे क्या है Having के साथ हम aggregate functions को use कर सकते हैं बट जब आप where clause का use करते हो उसके साथ आप aggregate function का use नहीं कर सकते ठीक है तो ग्रुप के लिए आप इसका यूज करते हो हैविंग क्लॉज का यूज करते हो फाइन अब नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है नेक्स्ट कमांड हमारी ऑल्टर कमांड ओके तो ऑल्टर कमांड का क्या यूज है इसकी हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं मतलब उसको चेंज कर सकते हैं जो भी मोडिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं लाइक एडिंग न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल आप न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो ड्रॉपिंग कॉलम फ्रॉम द टेबल टेबल का कॉलम डिलीट कर सकते हो ठीक है मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन कॉलम की डेफिनेशन चेंज कर सकते हो मतलब उसके करेक्टर टाइप या डेटा टाइप जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो ओके चेंजिंग नेम ऑफ द कॉलम आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो ओके okay? एडिंग और ड्रॉपिंग कंस्टेंट आफ्टर द टेबल क्रिएशन आप टेबल बनाने के बाद उसके अंदर कंस्टेंट को लगा भी सकते हो और कंस्टेंट हटा भी सकते हो ठीक है कंस्टेंट क्या होते हैं कुछ आप रूल्स टेबल के अंदर आप यूज करते हो ठीक है उसको बोलते हैं हम कंस्टेंट राइट वी कैन मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल कोई भी आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो वो आप कर सकते हो ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से फाइन ओके okay. तो हम ऑल्टर टेबल कमांड यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए क्या करते हैं एक टेबल पहले क्रिएट करते हैं देखो यहाँ पे आपने क्रिएट टेबल ई एम पी एल वन ले लेते हैं क्योंकि ई एम पी एल हमारी बनी हुई है राइट right? इसके अंदर आप लोगे ई एम पी नंबर इंट ले लिया मैंने ई एम पी नंबर इंट ले लिया ठीक है नेम ले लेते हैं नेम वेर कैर वेर कैर आप ले लो आ, हम ई e नेम ले, ले लेते हैं ई e नेम एम्प्लॉ नेम लेते हैं ये नेम वेर केयर वेर केयर आपने ले लिया थर्टी ठीक है इसकी लिमिट ले, ले लिया आपने थर्टी ओके देपार्टमेंट डिपार्टमेंट वेयर केयर हमने ले लिया फोर्टी फाइन देन सैलरी ले लेते ले हैं ले ले इसके अंदर सैलरी आप ले लो इंटीजर ठीक है सर्कुलर ब्रैकेट एंड सेमिकॉलम ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई ओके अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप डी डिस्क्राइब कमांड का यूज करोगे ई e एम पी एल वन ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ गया ओके अब देखो ऑल्टर कमांड का हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं ठीक है इफ आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम इन द टेबल अगर मैं क्या चाहती हूँ एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ टेबल के अंदर तो मैं किसका कौन सी कमांड का यूज करूंगी ऑल्टर कमांड का यूज करूंगी ठीक है तो मैं कहती हूँ ऑल्टर टेबल ईमपीएल वन ओके एड एड करके मैं अपने कॉलम का नेम लूंगी जैसे मैंने ले लिया नेशन एड डेजिग्नेशन केयर थर्टी डेजिग्नेशन इसके अंदर दे सकते हैं आप केयर थर्टी ओके सेमी कॉलम हो गया अब देखो अब मैं अगेन इसका स्ट्रक्चर एस सी डिस्क्राइब ई एम पी एल ओके तो अब देखो प्रेस करो अब एक और कॉलम आपका क्या आ गया इसके अंदर एड हो गया होगा ओ मैंने ई एम पी एल ले लिया ई एम पी एल करना है डी ई एम पी एल वन क्योंकि हमने कौन सी टेबल में मॉडिफिकेशन किया है ई एम पी एल वन तो देखो डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है डेजिग्नेशन आपका आ गया है ओके okay. फाइन तो ऐसे क्या किया आपने एक और कॉलम टेबल में एड कर दिया ओके okay. अब आप क्या कर सकते हो ऑल्टर कमांड की हेल्प से कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी इसको ड्रॉप करके दिखाती हूँ ऑल्टर टेबल ई एम पी एल वन ओके ड्रॉप ड्रॉप हमें क्या करना है डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन कॉलम को हमें ड्रॉप करना है सेमी कॉलम हो गया अब देखो अब मैं इसको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ डीएससी ई एम पी एल वन डेजिग्नेशन चला गया पहले देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन था अब यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं है ठीक है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया आ, उसको ड्रॉप कर दिया ठीक है डिलीट कर दिया ओके okay. ना अगर आपको किसी कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है ठीक है जैसे यहाँ पे आपका ई e नेम क्या है ई e नेम आपका वेर केयर थर्टी है ठीक है मैं इसकी इसका डेटा टाइप की जो लिमिट है वो चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ मैं ऑल्टर कमांड का यूज करके कर सकती हूँ ऑल्टर टेबल E okay. आप दोगे मोडिफाई मोडिफाई पहले मेरा कितना है थर्टी है अब मैं मान लू फिफ्टी कर देती हूँ वेर कैर फिफ्टी मैंने वेर कैर कर दिया उसकी लिमिट बढ़ा दी फिफ्टी कर दी ठीक है हो गया अब आप डीईससी -E करके देख लो ई एम पी एल वन देखो यहाँ पे ई नेम की जो लिमिट है वो क्या होगी गई फिफ्टी हो गई है ठीक है फिफ्टी आ गई है फाइन ओके नौ वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द कॉलम बाई यूजिंग द कमांड आप किसी भी कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो ऑल्टर कमांड की हेल्प से ओके okay. जैसे मैं करती हूँ ऑल्टर ओके ऑल्टर टेबल ऑल्टर टेबल ई एम पी एल वन

ठीक है मैंने जो ई नेम क्या है मेरा ओल्ड नेम है और ई एम पी नेम क्या है मेरा न्यू नेम है फाइन और आपने केयर क्या दे दिया फिफ्टी ओके सेमी कॉलन अब देखो ये चेंज हो गया अब मैं अगेन डी ई एस सी डिस्क्राइब ई एम पी एल वन अब देखो यहाँ पे ई एम पी नेम आ गया है ई एम पी नेम हो चुका है इसको ठीक है आपने ई e नेम को क्या कर दिया ई एम पी नेम कर दिया है ओके okay. अगर आप क्या चाहते हो आप कॉलम्स जो आपके हैं उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो मतलब कोई कॉलम ऊपर आना चाहिए कोई नीचे आना चाहिए आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आप हम ऑल्टर का करेंगे ऑल्टर टेबल ई एम पी एल वन ओके ई एम पी एल वन मॉडिफाई डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को मोडिफाई कर दिया हमने डिपार्टमेंट को मोडिफाई कर दिया केयर हमारा डिपार्टमेंट uh, का केयर क्या है फोर्टी है वेर केयर फोर्टी ओके फर्स्ट हम चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट कॉलम uh, है वो सबसे पहले आ जाए मोडिफाई डिपार्टमेंट फर्स्ट हमने क्या कर दिया हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जो कॉलम है सबसे ऊपर आ जाए तो इसको सेमी लगाया एंड कर दिया एग्जीक्यूट अब डी एस सी डिस्क्राइब एम पी एल देखो डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ गया है फाइन ओके अब आप क्या चाहते हो जो दूसरे कॉलम्स हैं ऊपर नीचे उनको ऊपर या नीचे आप बीच में अरेंज करना चाहते हो ठीक है तो आप कैसे करोगे जैसे मैंने यहां पे लिया ऑल्टर टेबल ओके e okay, और आपने दे दिया मोडिफाई सैलरी ठीक है सैलरी कॉलम को मैंने क्या कर दिया इंट सैलरी इंट है इंट आफ्टर सैलरी कॉलम किसके बाद आ जाए सैलरी कॉलम आ जाए ई नंबर के बाद ठीक है आफ्टर ई नंबर ठीक है ईएमपी नंबर के बाद कौन सा कॉलम आ जाए सैलरी कॉलम आ जाए ठीक है अब एम पी एल वन तो देखो सैलरी कॉलम किसके बाद आ गया ई एम पी नंबर के बाद आपका कौन सा कॉलम आ गया आपका सैलरी कॉलम आ गया फाइन तो आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया ओके नो आप क्या कर सकते हो कंस्ट्रेंट भी ऐड कर, कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो टेबल के अल्टर कमांड की हेल्प से फाइन तो अगर मुझे क्या करना है कोई भी कंस्टेंट लगाना है टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है ठीक है टेबल क्रिएशन के बाद मुझे कोई कंस्टेंट उसके अंदर लगाना है यूज करना है तो मैं ऑल्टर की हेल्प से कर सकती हूँ ऑल्टर टेबल ओके ई एम पी एल वन फाइन और यहां पे मैं प्राइमरी की कंस्टेंट लगा रही हूँ एड प्राइमरी की ओके और मैंने कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना दिया मैंने ई एम पी नंबर को प्राइमरी की यहाँ पे बना दिया फाइन ओके प्रेस एंटर बन चुका है अब हम देखेंगे दी सी डिस्क्राइब ई एम पी एल वन अब आप यहाँ पे देखो जो आपका ये है डिपार्टमेंट सॉरी ई एम पी नंबर वहां पे पी आर आई आ रहा है की में पी आर आई आ रहा है ये क्या बन चुका है आपका प्राइमरी की बन चुका है फाइन ये आपका प्राइमरी की बन चुका है अब मैं चाहती हूँ कोई भी कंस्टेंट क्या करना हटाना ओके okay? उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो कमांड का यूज करोगे ऑल्टर ओके टेबल ऑल्टर टेबल ई एम पी एल ई एम पी एल वन ओके एंड ड्रॉप ड्रॉप प्राइमरी की मैंने सिंपली इसको ड्रॉप प्राइमरी की कर दिया जो अभी मैंने ईएमपी नंबर को क्या बनाया था प्राइमरी की कॉलम को प्राइमरी की बनाया था अब मैंने इसको क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया है ठीक है अब आप देखो डीईएससी डिस्क्राइब ई एम पी एल वन तो इसके अंदर कोई भी प्राइमरी की अब नहीं होगी ठीक है देखो कोई भी की नहीं है की का कॉलम क्या है आपका एम टी ए तो क्या किया मैंने इसमें से प्राइमरी की कंस्टेंट को हटा दिया ओके ओके चिल्ड्रन इस वीडियो में हमने एसक्यूएल की ऑलमोस्ट सारी कमांड्स को कवर कर लिया है ओके okay? एसक्यूएल कंस्टेंट इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे आप उसको वहां से देख सकते हो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आप वहां से उसको देख सकते हो ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड सब्सक्राइब माई चैनल 4 more useful videos